गाजियाबाद में बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मनीष सिसोदिया के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार संलिप्त है। हम इसी जनादेश के साथ जो है सत्ता में आए हैं, सरकार संकल्पित है। साथ ही जो है भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा कि जिन्होंने अनैतिक साधनों का इस्तेमाल किया उसके खिलाफ विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रयागराज हत्याकांड पर कहा कि घटना हम सबके लिए दुखद है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री का संकल्प है कि हम माफिया को कुचलने का काम करेंगे और निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई करेंगे जिसकी भविष्य में नजीर बन सके। बता दें, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने के लिए आए थे। आज देश के प्रधानमंत्री जी के मन की बात का जो कार्यक्रम है, उसमें मुझे आज इस बूथ पर प्रतिभाग करने का अवसर मिला है और हम सब लोगों ने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नए नए विषयों पर नवाचार के विषय में और अन्य विषयों पर चर्चा की है, उस चर्चा में हम लोगों ने प्रतिभाग किया है। हमारे संगठन के कार्य के विस्तार की दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी भागों में प्रत्येक बूथों पर यह कार्यक्रम सुना जाता है।